का कभी ख्यालों में भी नहीं आया था कि शब्द और माई के बीच की दूरियां इस हद तक बढ़ जाएंगी और आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा। अब इस घर का कुछ नहीं हो सकता जी। जिस घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाए उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, कभी नहीं। ठीक कह रही बिल्लू, बिल्कुल ठीक कह रही। जिस घर की औरत सुखी नहीं है ना, उस घर में तो लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। बिल्लो, मैंने माही पुत्र को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस घर में उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ कि मेरी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। किस मुंह से रोकता उसे? अपने काबू में कुछ भी नहीं था। लाड़ते हमारे होंठ सीध दिए थे, हाथ बांधे थे, अब क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र रोल ले, आज मैं तुझे रोने से नहीं रोकूंगी। शायद इस घर की किस्मत में रोना ही लिखा। ताई भाई दीदी कहाँ चली गई? क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? बोले ना ताई जी। पता नहीं पुत्र, पता नहीं। मेरे पास तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं। मैं तुझे क्या जवाब शब। मैं जानती हूं कि मैंने इस तरह अचानक आकर मैंने तुम्हें बहुत एम्बैरेस फील करवाया, और मेरी मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं कभी नहीं चाहती थी शब्द कि तुम्हें मैं इस तरह ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दूं, और वो भी स्पेशली जब माही की प्रेजेंस हो। लेकिन मैं क्या करती शब्द, जैसे ही डॉक्टर ने मुझे इस रिपोर्ट के बारे में बताया मेरी समझ में नहीं आया कि मैं किसे कहूं। सबसे पहले मुझे तुम्हारा ध्यान आया शब्द, बट अनफॉर्चुनेटली यहां आकर सारी बात बिगड़ गई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है शब्द, पूरा यकीन है कि हमारे इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। है ना? मैंने यहां आने से पहले बहुत सोचा शब्द कि मुझे यहां आना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि तुम्हें ये बात जानने का पूरा हक बनता है शब्द, क्योंकि तुम इस बच्चे के बाप हो। मेरी
मेरा क्या है? मैं अकेली होती तो कहीं भी चली जाती, लेकिन उसका क्या? उसका क्या जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया? इसे लेकर मैं कहां जाती हूं? मैं मानती हूं कि मैं बहुत मॉडर्न हूं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं शाह कि एक बच्चे के साथ इस दुनिया को फेस करना इतना आसान नहीं है। कितने सवाल करते हैं लोग, कितने क्रूअल हो सकते हैं ऐसे बच्चे और माँ के साथ, स्पेशली अगर बच्चे का बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ना करे। यू नो व्हाट आई मीन शाह? अब तुम ही बताओ शाह, ऐसी हालत में मैं अगर तुम्हारे पास नहीं आती तो कहां जाती? अगर तुम चाहते हो तो मैं चुपचाप यहां से चली जाती हूं। मैं यहां तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मुझे लगा था कि तुम्हें खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। मेरे बिना कहे तुम अपना सपोर्ट मुझे ऑफर करोगे, लेकिन नहीं, नेवर माइंड। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं शब, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। इफ यू वॉन्ट मी टू लीव तो मैं यहां से चली जाती हूं। इसके बाद मेरा और हमारे बच्चे का जो भी होगा वो सुहानी। वाह, क्या फैमिली है। समझ में नहीं आता कि एक पूरी फैमिली में इस हद तक डिग्निटी की इतनी कमी कैसे हो सकती है। एक बहन तुम हो सोनी, जो किसी आदमी को नहीं छोड़ती, और दूसरी तुम्हारी बहन है जिससे अपना खुद का पति संभाला नहीं जाता। मम्मी जी एकदम ठीक ही कहती थी कि नीच घर की लड़कियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने किया। मम्मी जी के इतना समझाने के बावजूद किया सोनी, और इसलिए आज मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सबक मिला, है ना सोनी? अब बस भी करो जेन, और कितना सुनाओगी तुम मुझे? भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। इस वक्त तुम जानती हो मेरी हालत कैसी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो अपनी बहन को लेके, इसलिए तो मैं यहां आई हूं, ये देखने के लिए कि जब किसी औरत ने तुम्हारी सगी बहन के साथ वो किया जो तुम मेरे साथ ऑलरेडी कर चुकी हो, तो तुम्हें कैसा लगा? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा सोनी? वैसे तुम्हें इस तरह हर्ट देखकर मुझे हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आई मीन
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, औरों के पति छीनना, ये सब तो तुम जैसी औरतों के लिए आम खेल है ना? आखिर तुम मुझे भी तो अपनी सगी बहन कहती थी ना सोनी, और मैं बेवकूफ, मैं तो तुम्हें सचमुच अपनी बहन मानने लगी थी। इसके बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें याद है ना सोनी? चेरी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज, अब तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद बहुत समझदार हो चुकी हूँ। थैंक्स टू यू, एंड आई होप अब तुम भी समझ चुकी होगी कि जब खुद पे या अपनों पे बीती है ना सोनी, तो कैसा फील होता है। क्योंकि इस बार तुम्हारे फेवरेट गेम की शिकार खुद तुम्हारी सगी बहन हुई है। ये तो शुरुआत है सोनी, मैं अब वक्त का चक्का ऐसा जाम करूंगी कि चेरी तो क्या, पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाएगी। अच्छा, पूरी दुनिया ही तेरे खिलाफ हो जाएगी ना, तो तेरे लिए तो दुनिया में कहीं जगह ही नहीं बचेगी सोनी, रत्ती भर भी नहीं। मुझे रास्ता दिखा बाबा जी, मैं क्या करूं? सुहानी, तुम चाहो तो क्या रह सकते हो? ओशा, यू आर सो स्वीट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यू आर सच अ स्वीटहार्ट, आई रियली लव यू फॉर दिस। हमारा शब्द पुत्र तो बुरी तरह से बिखर गया। मैं तो समझ में नहीं आ रहा वो खुद को संभालेगा कैसे। अभी अभी तो बीमारी से उठा है बेचारा, और जब लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, खुशहाली फिर से वापस आ गई है, तो ये कमीनी सुहानियां धमकी। मैं गल दसूं आपको? दसूं?
मुझे ना इस सुहानी की बातों पर रस्ती भर भी भरोसा नहीं है। ओए भरोसा तो मुझे भी नहीं है बिल्लो, इस कपटी लड़की से तो किसी भी खुराफात की उम्मीद की जा सकती है। हमें तो अब जैसे तैसे करके अपने पुत्र शब्द को संभालना है। क्योंकि उसके दिल के जख्म अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं। अब आप दोनों शब्द की फिक्र करना छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी, शब्द को भी उसकी लाइफ को भी। और रहा आप दोनों का सवाल, याद है ना मैंने आप लोगों से क्या कहा था? जिस दिन इस घर में मैं वापस लौट कर आऊंगी उस दिन आप लोग आउट। और हाँ, कल मैं अपना सामान लेकर इस घर में आ रही हूं, वो भी परमानेंटली। और आप लोगों की भलाई इसी में है कि मेरे यहां आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से निकल जाना हमेशा के लिए। अगर मेरे हाथों अपनी बेइज्जती नहीं करवानी हो तो, वरना आप जैसे लोगों को बेइज्जत करके धक्के मार के निकालने में मुझे बहुत मजा आता है। Got it?